के बाद ये सब क्यों? देखिए, सुशील सिन्हा के समय में तो 1% भी धांधली नहीं हुई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। रामाश्रय सिंह जो थे उनके समय भी धांधली नहीं हो रही थी, मैं जान रहा हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं से गोलमाल जरूर है। एक व्यक्ति का नाम हमेशा उछल रहा है टॉस सिक्के की तरह, अमरेंद्र कुमार। कौन है अमरेंद्र कुमार? अमरेंद्र कुमार परीक्षा नियंत्रक है, मैंने उनको देखा है। और लेकिन मैं महाभारत का संजय भी नहीं हूं कि डायरेक्ट बोल दूं कि अमरेंद्र कुमार ऐसा किया ही है, लेकिन इतना तो जरूर है कि गलत हो रहा है और उसी का परिणाम है कि आज लड़के रोड पर भुगत रहे हैं। क्योंकि चवार कहता है कि जहां बारिश हुआ है वहां जरूर पानी है, तो कहीं हमारे अमरेंद्र कुमार तो ऐसा हालत नहीं बना रखा है बीपीएससी? मैं डायरेक्टली किसी पर नहीं कह सकता क्योंकि जब तक मेरे पास एविडेंस नहीं हो। एक तरफ से सरकार नियुक्ति पर बांट रही है, एक तरफ से छात्र छात्राओं आंदोलन के घेरे में बीपीएससी के गेट पर खड़ा है, ये क्या अनुमान दे रहा है सरकार, किस ओर संकेत कर रहा है बिहार? देखिए, मैं एक गुरु होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय डिप्टी सीएम से और माननीय अध्यक्ष महोदय से भी यही कहूंगा कि जिस तरह की 113 कटअप गई है, किसी भी परिस्थिति में यह इसमें छात्रों की नहीं आयोग की गलती है। आयोग ने क्या किया है क्या नहीं किया उसकी गलती है। उसके बाद आप 150 क्वेश्चन का सही सही आंसर नहीं तैयार कर सकते हैं? बिहार लोक सेवा आयोग एसडीएम पैदा करता है, डीएसपी पैदा करता है, अधिकारी पैदा करता है, और 150 क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं बढ़िया जिसका आंसर तेज से दिया जाए? तो वैसी परिस्थिति में गुरु रहमान पढ़ाना छोड़ रहा है, रूम लेके कहिएगा तो हम बनारस चल जाएंगे जहां से आए हैं। तो लेकिन आप हमको दीजिए 150 क्वेश्चन सेट करने के लिए, एक क्वेश्चन भी गलती हो जाएगा तो अपने आप को बलि दे देंगे हम बजरंग बली को। एक बात बता दें, एक बात हमेशा मार्केट में आ रहा है, बिहार के प्रतिष्ठित टीचर जैसे आप हैं वैसे अनिल सर हैं, वो बोल रहे हैं कि बीपीएससी आयोग के पास सदस्य का नाम क्यों नहीं बाहर आ पा रहा है? अगर आयोग सही है तो सब चीज ऐसा पैमाना पर क्यों हो रहा है? अनिल सर मतलब अनिल भैया? हाँ अनिल सर, जो हिस्ट्री जो पढ़ावत रहा। अरे बाबा हमारे बड़ा भाई, हमारे प्रणाम कही उनका। सबसे बड़ी बात है कि आयोग कुछ करे, अध्यक्षों का आयोग छुपाए रखे, लेकिन छात्रों के साथ ना इंसाफी ना करे। ऐसा नहीं लग रहा है बिहार में फिर बीपीएससी के लिए चेयरमैन शिशिर सिन्हा को फिर से लाया जाए? नहीं, ये मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सपोर्ट करूंगा तो कुछ लोग कहेंगे रहमान सपोर्ट कर, रहमानमा ये है, रहमानमा वो है। शिशिर सिन्हा जैसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अतुल कुमार भी विवादास्पद के घेरे में रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि शिशिर कुमार जैसे व्यक्ति को बनाइए, शिशिर कुमार को ही क्यों? शिशिर कुमार बेचारे अब जाएंगे भी नहीं, आपको नहीं जाएंगे, मैं जान रहा हूँ क्यों नहीं जाएंगे, उनकी पारिवारिक स्थिति भी जानता हूँ। लेकिन दूसरी बात, उन्हीं के ईमानदार आदमी को बनाइए। और अरे आप शराब बंद कर दिए ना भाई, शराब बंद कर दिए तो भले लोग पी के मर जाए साला, तो उसको कौन रोक सकता है? आपने स्त्रियों को 38% आरक्षण दे दिया, बच्चियां पास कर रही हैं। तो एक नजरे कदम कर्म उठाइए बिहार लोक सेवा आयोग पर। आप बिहार लोक सेवा आयोग में जो भी हो, सड़ा हुआ हो, जो छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहा है, उसको अविलंब ना केवल बर्खास्त कीजिए, अभी तो लाल दरवाजे के अंदर पहुंचाइए, जेल में डालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, तमाम लोगों से मेरा यही अनुरोध है, अतुल प्रसाद जी से फिलहाल तो ये अनुरोध है कि आप 15,000 रिजल्ट दीजिए, ताकि जो बेचारे पढ़ने वाले लड़के भी जो फेल कर गए हैं उनके साथ इंसाफ हो सके। ये जो मामला सर आया है मार्क्स बढ़ने का, इसमें बहुत बड़े आईएएस बिहार केडर में आए हैं, उसका भी नाम उछल रहा है, ये जब आने के बाद ये सब हो रहा है? ना नहीं, नो कमेंट, नो कमेंट। इसलिए बता दें हमको कि बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन मार्क्स तो इंक्रीज नहीं कर रहा था, कट ऑफ तो 100 के 66 में धांधली हुआ औरंगाबाद सेक्टर। जितना आदमी पढ़ रहा है आज तक, कभी गुरु रहमान का उठा के देखिएगा तो आपको 40वीं से मैं कटअप बता रहा हूं, कभी मैंने बताया 103 से 6 नहीं बताया। इसका कारण है कि इसमें भी कोई संदेह नहीं कि लड़की हो, लड़का हो, एससी हो, एसटी हो, मियां हो, टिया हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, ईडब्ल्यूएस हो, आज पढ़ सब रहे हैं। मैं डियर 11 रुपये में हम पढ़ाते हैं, आप आगे कभी भी देख सकते हैं, स्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, पढ़ सभी रहे हैं, तो स्कोर बढ़ सकता है। लेकिन आप का दूध से जला हुआ लोग मट्ठा फूक के पीता है। औरंगाबाद और जहानाबाद में क्वेश्चन आउट हुआ, 108 कटअप गलई, हम लोग को पच रहा था। इस बार आपने परीक्षा इतना बढ़िया से लिया कि कलेजा बाग बाग हो गया। मेरा एक दिव्यांग बच्चा सेंटर होम में जा रहा था, 3 मिनट लेट था, उसको नहीं घुसने दिया जबकि पैर हाथे से होता है, मैंने ग्रेट सैल्यूट किया। लेकिन 113 कटअप डाल के चले, 113 ठीक है, 8 क्वेश्चनवा क्यों बदलना पड़ा?
बिहार जहां बुद्ध और महावीर का धरती रहा है, क्या एक ईमानदार व्यक्ति चेयरमैन सरकार बनाने के पक्ष में नहीं रहता? सरकार, मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, मैं सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, दधीजी देदान का उपाध्यक्ष हूँ, हमारे संरक्षक श्री पूजनीय मोहन भागवत जी, इसलिए किसी पार्टी का मतलब नहीं है, अपना संपूर्ण शरीर दान किए हुए हैं। सरकार कटिबद्ध है कि बीपीएससी का चेयरमैन ईमानदार बने और कचरा साफ हो, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। शिशिर सिन्हा को फिर क्यों हटा दिया जाए? शिशिर सिन्हा को हटा दिया गया, वो उनका स्वास्थ्य का कारण था, आप पता लगा सकते हैं, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि उनकी पारिवारिक स्थिति मैं जानता हूँ। थैंक यू सर आपसे बात करने के लिए, विमर्श। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। लेकिन एक बात याद रखिएगा आप लोग कि मैं तमाम चैनलों के माध्यम से तमाम लड़कों को कहूंगा कि भारत उनकी माँ है और भारत में किसी भी तरह का आंदोलन करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखिएगा हिंसात्मक आंदोलन मत कीजिएगा। आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप पर अनुशासन टिकी है, इसलिए अनुशासन को बनाए रखना अपना कर्तव्य समझिएगा। जय हिंद जय भारत।